हे एवरी वन, वेलकम बैक टू द ऑटो स्टूडियो। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आपने इस कार को पहले भी हमारे चैनल पे देखा होगा। ये है जीप मेरिडियन लिमिटेड। तो दो वेरिएंट आते हैं, लिमिटेड और लिमिटेड ऑप्शनल, जिनकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस जो एक्स शोरूम पड़ जाती है वो पड़ती है 29,90,000 रुपीज़ से, और टॉप मॉडल की मतलब 36,95,000। ये एक्स शोरूम प्राइजेज हैं, और इसमें कुछ एसेसरीज लगी हुई हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। और ये मेरिडियन की बैजिंग हो गई, और डुअल टोन में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। तो एक्चुअली ये यूनिबॉडी आर्किटेक्चर पे बनी हुई है, मोनोकॉक जैसे भी बोल सकते हैं। तो मोनोकॉक में होता क्या है कि लैडर नहीं होता, लैडर फ्रेम चेसी होता है, एक मोनोकॉक होता है। तो ये मोनोकॉक पे बिल्ड हो रखी है। जीप कंपस का ये क्रॉसओवर वे एक समझ सकते हो आप इसे। तो इफ वी टॉक फ्रॉम फ्रंट, तो दीज आर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विथ रिफ्लेक्टर्स, और नीचे आपको क्रोम गार्निश देखने को मिल जाएगी, एंड टिपिकल ओल्ड स्कूल 7-स्लॉट ग्रिल देखने को मिल जाती है, विथ फ्रंट पार्किंग कैमरा भी है। इट इज़ यूज फॉर 360 डिग्री। ऑल्सो जीप की ब्रांडिंग ये देख सकते हैं। नीचे देखें तो दो आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे। देन लिप इज़ ऑल्सो फिनिश्ड इन क्रोम, और यहाँ पर कुछ ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है, मतलब एयर डैम्स हैं फॉर वेंटिलेशन पर्पस। दिस इज़ मैट ब्लैक, और ये फ्रंट में दो पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो जो हाउसिंग है फॉग लैम्प्स की, वो भी मैट में है, और यहाँ पर कुछ ब्लैक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया है, जिसे आप पियानो ब्लैक फिनिश भी बोल सकते हैं। एंड देन क्रोम स्ट्रिप काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ओवरऑल जो क्रोम का काम किया गया है वो बहुत मिनिमल किया गया, और काफ़ी एनहांस करती है लुक को। और नीचे LED आपको फॉग लैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, और ये हो गई। तो आप अगर डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं कंपस से, तो बहुत सिंपल है डिस्टिंग्विश करना, क्योंकि ये ग्रिल जो है इसमें क्या है कि कंपस में ये बंद मिलती है, लेकिन इसमें ये खुली होती है। तो ये हो गया, फ्रंट से बात करते हैं और इंजन बे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपको लीवर मिल जाएगा इंजन बे का, तो इसको खोलते हैं। तो नो हाइड्रोलिक स्टड्स, यहाँ पर इंसुलेशन देखने को मिल जाती है। जीप टर्बो डीजल 2 लीटर मल्टी जेट इंजन मिलता है डीजल का, और जो प्रोड्यूस करता है 170 PS की पावर और 350 Nm का टॉर्क। और ये बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो ये वही डीजल इंजन है जो जीप कंपस, MG हेक्टर, टाटा हैरियर और टाटा सफारी में भी यूज़ होता है। ये प्रॉपर तरीके से कवर्ड है इंजन वे, काफ़ी नाइसली पैक्ड हो रखा है, और ये इंसुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी इधर। सो दो वॉशर्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का आपको वाइपर्स देखने को मिल जाएंगे। और रेन सेंसिंग है कि नहीं है? हाँ, रेन सेंसिंग देखने को मिल जाता है। देन वी कम टू साइड प्रोफाइल, तो क्लैडिंग देखने को मिल जाती है जो एक रगेट फील करा देती है, और डुअल टोन अलॉय व्हील्स विद जीप ब्रांडिंग, यहाँ पर जीप ब्रांडिंग। और साइज, टायर साइज की बात करें तो आपको 18 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है डुअल टोन में, ब्लैक और सिल्वर कलर में। और जो टायर सेक्शन है वो 235/55R18 का टायर साइज आपको देखने को मिल जाता है। और साइड में ये एसेसरीज का पार्ट लगा हुआ है, फुट पैक्स, और मेरिडियन की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाते हैं इधर साइड, और ORVM पे आपको कैमरा 360 व्यू के लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से। और ये LED टर्न इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देन क्रोम का वर्क हो रखा है यहाँ पे, और विंडो लाइन पे प्रॉपर तरीके से पियानो ब्लैक फिनिश का काम किया गया। और देन दिस इज क्रोम स्ट्रिप, यू कैन सी हियर, आपको क्रोम स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी। रूफ रेल आर फंक्शनल एज यू कैन सी, मोपर कंपनी के आपको यहाँ पर एसेसरीज देखने को मिल जाती है। ये ज़्यादातर ओवर लैंडिंग वगैरह के लिए लोग यूज़ करते हैं।
फ्यूल टैंक्स, फ्यूल टैंक में देखें तो आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है, क्योंकि 2 लीटर का इंजन ऑप्शन है, तो इसमें एड ब्लू की टैंक भी देखने को मिल जाएगी, 60 लीटर का डीजल टैंक देखने को मिल जाएगा। तो इसमें कोई कैप नहीं मिलता है, ये प्रॉपर नॉजल फिट करेंगे तो ये ऐसे अपना एडजस्ट कर लेगा। तो इसको बंद कर देते हैं, और प्रॉपर क्वार्टर पैनल जो है काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है, और टिंटेड ग्लास है, जो गर्मी में भी अंदर की जो एयर सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रहेगी, ठंडक रहेगी, बाहर की गर्मी जो है वो अंदर नहीं आएगी। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, तो इतनी प्रीमियम कार से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन स्पॉयलर इज नाइसली इंटीग्रेटेड इन ब्लैक, दिस इज प्यानो ब्लैक ट्रीटमेंट, और यहाँ पर आपको प्यानो ब्लैक ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये डुअल टोन है, तो उसकी वजह से ऊपर का मामला है पूरा आपको ब्लैक देखने को मिलने वाला है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डेड टू इन LED, और शार्क फिन एंटेना देख सकते हैं आप। ऊपर आपको पैनोरामिक या मून रूफ देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट बैक, तो आपको ग्रैंड चेरोकी इंस्पायर्ड आपको टेल लैम्प देखने को मिल जाएंगी, डिफ्यूज LED सेटअप है, और काफ़ी प्रीमियम लग रहा है और अच्छा लग रहा है। जीप की ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। देन क्रोम स्ट्रिप, नीचे आपको बैक कैमरा देखने को मिल जाएगा, लिमिटेड की बैचिंग हुई, एंड देन रिफ्लेक्टर एंड बैक फॉग लाइट या बैक रिवर्स लाइट बोल सकते हैं। देन दिस इज पार्किंग सेंसर, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं यहाँ पर, टो के लिए जगह मिल जाती है। देन डिपार्चर एंगल इज दैट टू इज वेरी फैबुलस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ऑफ रोडिंग में, क्योंकि जीप इज नोन फॉर ऑफ रोडिंग, और ये स्किड ब्लेड आपको ग्लॉसी ग्रे कलर में देखने को मिल जाता है। देन दिस इज सॉर्ट ऑफ आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाती है। देन इलेक्ट्रिक टेल गेट आपको देखने को मिलेगा इसमें, और ये हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के लग रहे हैं। और अंदर की बात करें तो आपको यहाँ पर एक बटन देखने को मिल जाएगा, जिससे आप बूट को बंद कर सकते हैं, और इल्यूमिनेटेड है यहाँ पे, यहाँ पर भी इल्यूमिनेटेड आपको देखने को मिलेगा, हुक मिल जाता है देखने को। और इसको उठा करके देखते हैं इसमें क्या नीचे मिल रहा है, तो जैक वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, पंचर वगैरह, और इसमें कुछ स्पेस और देखने को मिल जाती है इधर, इसको बंद कर देते हैं। और ये बैक सीट्स हो गई, इसको उठा देते हैं, तो ये भी रिक्लाइन हो सकती हैं, यहाँ पर लीवर दे रखा है, तो लीवर की मदद से आप पीछे ये रिक्लाइन हो जाती है प्रॉपर तरीके से, ये आप देख सकते हैं। और कुछ कप होल्डर और फ़ोन वगैरह रखने के लिए पूरा प्रॉपर ग्रिप बनाई गई है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पीछे वाले पैसेंजर्स को। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो पीछे वाली रोज हैं वो एडल्ट के लिए नहीं बनी होती हैं, और एडल्ट अगर ट्रैवल करना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 किलोमीटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको बंद करते हैं, और यहाँ पर भी अटेंशन टू डिटेल ये दिया है, जीप की ब्रांडिंग यहाँ पर भी हो रखी है, तो हर जगह जीप की ब्रांडिंग है। और इससे हम बटन से बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, बैक विंडशील्ड पे आपको वाइपर और डिफॉगर देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं। और बैक रो को एक्सेस करने के लिए देन डोर आर डेट टू वेरी हैवी, और प्रॉपर क्लिक मालूम पड़ रहा है। इफ़ यू टॉक अबाउट डोर, तो लेदर पॉलिसी देखने को मिल जाएगी, बॉटल होल्डर, दैन विंडो कंट्रोल, और ये डोर ओपनर डैट टू इन सिल्वर सैटन ग्रे, और ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पर की है, कंपोनेंट यहाँ पर दिए गए हैं, और कुछ स्पेस देखने को मिल जाती है, ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर आता है क्रंच, तो इस लीवर की मदद से ये टम्बल डाउन हो जाती है, ये पीछे का रो एक्सेस करने के लिए। तो मैं आपको पीछे ही रो एक्सेस करके दिखा देता हूँ, इसको भी मैं ऊपर उठा के आपको दिखा देता हूँ। तो ये पूरी तरीके से सीधी हो रखी है, ये आप देख सकते हैं, और इसको रिक्लाइन करना है, तो यहाँ पर पीछे एक लीवर है, यहाँ पर पीछे एक लीवर है जो मैंने अभी दिखाया था, उससे भी रिक्लाइन हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से रिक्लाइन कर दिया। और अगर मैं पीछे और आ जाता हूँ, तो एक्चुअली क्या है कि अंडर थाई सपोर्ट जो है बिल्कुल पुअर है, माय हाइट इज़ रेफरेंस टू 5'11", और यहाँ पर देखिए ये नी टच हो रही है, तो ये प्रॉपर मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन जब अगर कहीं सिटी के अंदर ही जाना है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, थोड़ा ट्रैवल किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग जर्नीज के लिए ये जगह नहीं बनी है, मतलब मेरे जैसे टॉल पैसेंजर्स के लिए, मतलब बच्चों के लिए है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको
लेवलर लेवलर देखने को मिल जाएगा ब्लूअर्स के लिए, तो थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर एसी वेंट्स दिए गए हैं। और यह है ग्लास पैनल जो क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं होने देने वाला है। और यहाँ पर आपको कप होल्डर देखने को मिल जाएगा, और ये कुछ हुक दिए गए हैं जिसकी मदद से कुछ टाई करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दो हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, दैट टू आर एडजस्टेबल, और पीछे के लिए आपको सीट बेल्ट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर ये आप इसको हुक कर सकते हैं, ये आप देखिए, तो ये हुक हो गया। तो आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ बात करते हैं कि सेकंड रो में कितना कंफर्ट है। अभी मैंने आपको थर्ड रो एक्सेस करके दिखाई, तो अब इसको कर देते हैं नीचे, तो ये प्रॉपर क्लिक की तरफ से बंद हो जाएगी और ये लीवर जो है इसको रिलीज करके पीछे की तरफ कर देंगे और ये सेट हो चुकी है। और ये एडजस्टेबल नहीं है, तो आइए अंदर की तरफ चलते हैं। और अंदर की तरफ मैं आपको नी रूम दिखा देता हूँ इस साइड में। तो नी रूम इज एडिक्वेट। और हेड रूम की बात करते हैं, तो मैं आपको हेड रूम दिखाता हूँ अभी। तो हेड रूम इज ओके, मैं ज़्यादा नहीं होऊंगा। और एक मिनट, तो ये इतनी ही रिक्लाइन होती है जितना मैंने आपको दिखाया। और आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो देखने को मिलेंगे वो दो देखने को मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं, एक ये हो गया और एक ये बीच वाले पैसेंजर के लिए ये हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। और मैं इसकी लाइट जला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको लाइट्स, रीडिंग लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, और ये सॉफ्ट रिलीज वाले आपको ग्रैब हैंडल और यहाँ पर एक हुक देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप कोट वगैरह हैंग कर सकते हैं। लेदर अपॉलिसी सीट्स है और आईएसओ फिक्स सॉकेट के साथ या माउंट्स के साथ। और ये हैंडरेस्ट देखने को मिल जाता है विद दो कप होल्डर, तो इसको बंद कर देते हैं। और अमेनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर दो एसी वेंट्स दिए गए हैं प्रॉपर तरीके से, सॉलिड फील के साथ दिए गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इनमें। और थोड़ा सा क्रोम का वर्क हो रखा है, यहाँ पर नॉब दे रखा है ऑन ऑफ करने के लिए एसी को। और यूएसबी की आपको सॉकेट देखने को मिल जाती है और 12 वोल्ट का सॉकेट आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बीच का सेंट्रल कंसोल का पार्ट। यहाँ पर कुछ जगह मिल जाती है, ये कंपनी फिटेड ही लेदर रैप्ड वो मतलब लेदर सीट्स हैं, और इधर आपको फाइल रखने के लिए जगह मिल जाती है। और पीछे से जो डैशबोर्ड है वो कुछ ऐसा दिखता है, ये आप देख सकते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सीन्स हैं। सो इधर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलने वाले हैं गेट पे, और इधर आपको 9 स्पीकर का मेरिडियन सिस्टम देखने को मिल जाता है, एल्पाइन साउंड सिस्टम देखने को मिल जाता है, और बॉटल होल्डर, और इसमें छोटी सी बॉटल होल्ड करी जा सकती है। और यहाँ पर कुछ स्पेस देखने को मिल जाती है, लेदर अपॉलिसी एंड देन ORVM कंट्रोल्स, और 4 विंडो पावर कंट्रोल्स, और लॉक अनलॉक के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे विंडो के लिए और डोर के लिए। देन मेमोरी फंक्शंस का ऑप्शन है, सीट मेमोरी फंक्शंस का ऑप्शन, और डोर ओपनर, एंड देन पियानो ब्लैक फिनिश में थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इंटीग्रेट किया गया है सब चीज़ को। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं विद लंबर सपोर्ट, तो इसको पीछे करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये रिक्लाइन हो जाएगी और यहाँ पे पीछे करके ओके। तो यहाँ पर आपको बोनट लीवर, हुड लीवर या बोनट लीवर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको सारे फंक्शन मिल जाते हैं हेडलाइट से रिलेटेड। देन दिस इज सॉर्ट ऑफ लेदर अपॉलिसी, यहाँ पर भी डैशबोर्ड पे दी गई है, और सैटिन ग्रे फिनिश में कुछ टच दिया गया है, काफ़ी प्रीमियम फील होता है जो। देन दीज आर लेदर अपॉलिसी SRS की, एयरबैग की यहाँ पर आपको फिट एंड फिनिश देखने को मिल जाती है। और अंदर चलते हैं, अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। एंड द डोर थर्ड आप सुनना अपने आप, तो प्रॉपर तरीके से डोर थर्ड मिल जाता है। और यहाँ से मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे डैशबोर्ड पे आपको लेदर रैप्ड डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है। यहाँ पर भी आपको स्पीकर की जगह मिल जाती है, डिफॉगर आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर भी डिफॉगर साइड विंडो के लिए देखने को मिल जाता है। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि 10 इंच का ही है, और ये कह रहा है स्टार्ट इंजन, स्टॉप, प्रेस ब्रेक एंड पुश बटन टू स्टार्ट। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे। सो इफ वी टॉक अबाउट स्टेयरिंग व्हील, तो लेदर रैप आपको स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है विथ कॉफी कलर की स्टिचिंग, जो आपको स्टिचिंग यहाँ देखने को मिलती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन, जीप की ब्रांडिंग, एयरबैग की ब्रांडिंग हो रखी है यहाँ पे, मतलब दे रखी है कि क्योंकि इसमें एयरबैग है तो प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि भाई एयरबैग है। और
ये ग्लॉस ग्रे में कुछ इंसर्ट देखने को मिल जाती है जो प्रीमियम और फील करा देती है, और यहाँ पर भी कुछ ग्रॉस ग्लॉस ग्रे आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल जो टच दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है कि गाड़ी को पूरा प्रीमियम तरीके से दिखाने के लिए। यहाँ पर जो इंडिकेटर के लीवर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर वॉशर के लीवर देखने को मिल जाते हैं, मतलब वाइपर्स के, और ये है 10.1 इंच की यू कनेक्ट स्क्रीन। अभी मैं आपको सब खोल के दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ का, पैसेंजर एयरबैग के ऑन ऑफ का लाइट दिख जाएगी कि कब ऑन है कब ऑफ है। एसी वेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी प्रॉबस फील होते हैं, कोई प्रॉब्लम मतलब ऐसा नहीं लगता कि इस गाड़ी में कोई भी चीज़ का काम ऐसा किया गया है जो मतलब कहते हैं थर्ड क्लास हो का प्रॉपर तरीके से। जिस प्राइस रेंज में ये आती है उस प्राइस रेंज को ये प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई करती है। और यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है, तो इसको बटन को दबाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अभी की फोब नॉट डिटेक्टेड, तो की फोब अभी है नहीं, तो आपको अभी मैं दिखाता हूँ। नीचे की बात करें तो आपको 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है, यहाँ वॉल्यूम का रोटेटर देखने को मिल जाता है, ये भी प्रीमियम काफ़ी फील हो रहा है। यानी टेम्परेचर के कंट्रोल्स हैं, मतलब को पैसेंजर के लिए, को ड्राइवर के लिए। देन म्यूट का बटन हो गया, ये आप देख सकते हैं, यहाँ स्क्रीन ऑफ हो गई। और ये ट्यून के लिए, मतलब ये किस चीज़ को ट्यून करता है, ये करता है FM वगैरह को ट्यून। मोड्स के ऑप्शन हो गए डिफॉगर वगैरह के लिए, और कौन से में मतलब फ्रंट में आनी चाहिए फीट पे आनी चाहिए ये सब आपको देखना। ये है ड्राइवर के लिए, आपको टेम्परेचर कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। ब्लोअर के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया प्रीमियम सा नॉब देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। नीचे टाइप सी और यूएसबी, नॉर्मल यूएसबी का सॉकेट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया और प्रीमियम फीचर है। यहाँ पर पावर ब्रेक के लिए आपको लीवर देखने को मिल जाता है तो प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर 9 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। और काफ़ी ग्लॉसी वो ग्लॉसी ब्लैक और या फिर पियानो ब्लैक कलर में ट्रीटमेंट दिया गया है जो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। तो ये 4x4 नहीं है, तो यहाँ पर आपको कुछ बटन देख मिसिंग लगेंगे। और ये आपको मार्किंग दे दी गई है मतलब ऑटोमेटिक की पूरी, और ये सैटन ग्रे फिनिश में काफ़ी हाई क्वालिटी का मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर आप फ़ोन रखने के लिए फ़ोन होल्ड करवा सकते हैं, और यहाँ पर 2 कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर बीच में आप की भी रख सकते हैं, ये देख सकते हैं खाँचा बना हुआ है। तो इसको सर्च फॉर ब्लूटूथ ब्लूटूथ डिवाइस कर देते हैं, और ये पद्मनाभम के नाम से आ गया अपना डिवाइस, और पेयर कर देते हैं इसे, और नॉट नाउ, ओके। तो ये कनेक्ट हो चुका है, इसके म्यूजिक में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब म्यूजिक में चले जाते हैं, और म्यूजिक में आपको फोन कनेक्ट, ठीक है अभी आ गया है, गिनाई कर देते हैं इसे, और इसका साउंड आपको क्वालिटी चेक करवा देता हूँ मैं। लोकल MP3 में गया, और जैसे ये दीज आर साउंड, ये अभी आप प्ले करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये नॉन कॉपीराइट है जो मैंने लाइसेंस कर रखे हैं। तो ये कुछ साउंड के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, और इस साइड में चलते हैं इस ऑप्शन में, ये तो नेविगेशन ये हो गया, ये आप नेविगेशन देख पा रहे हैं जो यहाँ पर कल्याण ऑटो मार्ट करके जो शोरूम है जीप का और फिएट का, ये डीलरशिप है कल्याण करके, तो उसकी ये आपको पूरा नेविगेशन दिखा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये रुनकता ये दिल्ली के लिए रोड जा रही है, ये आप देख सकते हैं रायपुर वगैरह। तो ये हो गया,
ओके, जो ये बटन है उसकी मदद से हम क्या है कि मतलब जो स्टेयरिंग के पीछे जो बटन है ये आप देख सकते हैं, उससे आप प्रीवियस और नेक्स्ट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो गया और इसको कर देते हैं अब क्लोज। साउंड को यहाँ से पॉज कर दिया जाए और ठीक है। सो आई होप आपको ये जीप मेरिडियन पसंद आई होगी, जो लिमिटेड 4x2 वेरिएंट है। एक्चुअली 4x4 एक्चुअली ऑन डिमांड मंगाया जाता है, रीज़न बीइंग क्योंकि 4x4 के कस्टमर्स बहुत कम होते हैं और 4x4 इस पर्टिकुलर व्हीकल को बहुत ज़्यादा लोग कम प्रेफर करते हैं, रीज़न क्योंकि एज़ कम्पेयर टू